एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं. तो यस, आई एम इन मुंबई राइट नाउ. मुंबई आई हुई हूँ मैं थोड़े दिनों के लिए. कितने दिनों के लिए आई हूँ ये मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ थोड़े दिन के लिए आई हूँ. विक्की का ऑफिस था तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती हूँ. घर की कंडीशन आपको बताती हूँ, मतलब एंटर करते हुए बहुत देर हो गई मुझे आए हुए. हम आ गए थे, आकर के मेरी जो हेल्पर है उसको मैं फ़ोन कर ही देती हूँ, वो फटाक से आ जाती है. जहाँ भी होती है उसको बस कॉल करना होता है, उस दिन यहाँ पर आ जाती है. उसने आकर के सारी बहुत अच्छे से क्लीनिंग सब कर दिए. क्लीनिंग मतलब झाड़ू पोछा हो गया है और घर को अभी मेरे को डस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इतना गंदा नहीं हुआ है. हम 20 दिन पहले ही आकर के गए हैं. बाहर प्लांट्स की कंडीशन बताती हूँ. एज इट इज इंटैक्ट थे जैसे मैं छोड़ के गई थी. डेफिनेटली कुछ प्लांट्स जो हैं, जैसे मनी प्लांट जो हो गया, उसके कुछ प्लांट्स थोड़े तो होंगे यार, बिकॉज केयर ही नहीं हो रही है प्लांट की. तो मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ. देखिए, सो दिस इज, फिर भी काफ़ी बेटर है. और इसको हम क्लीन करके गए थे. देखिए, मतलब डस्ट बहुत भयंकर लेवल पे आती है क्योंकि ये जो पीछे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का, ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब फिर इस एरिए का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा, तब फिर हमारे डस्ट नहीं आएगी इतनी. तो ये है. साथ ही साथ मैं अभी जा रही हूँ अपने नेल्स करवाने के लिए. ये रहे मेरे नेल्स. ऐसे तो मैं जेल नेल पेंट ही लगाती हूँ, जो नेल पेंट काफ़ी लंबी चलती है, मतलब 20-25 डेज मेरी आराम से चलती है. और ये निकालती भी मैं ही हूँ, मतलब मेरी आदत है, मैं नेल्स को ना ऐसे बैठी रहती हूँ तो करती रहती हूँ. तो मेरी ये नेल पेंट जो है वो मैं ही निकालती हूँ, मैं ही ख़राब करती हूँ. मैं सोच रही हूँ इस बार नेल एक्सटेंशन कराने का मेरा बहुत मन कर रहा है. दो तीन रीजंस है. एक तो मेरा बर्थडे मंथ है ये, इसलिए. वैसे मुझे पता है मेरे नेल बेड बहुत ख़राब हो जाएगी इसके बाद, बट ठीक है. एक तो मेरा बर्थडे मंथ है इसलिए. दूसरा मेरे यहाँ शादी है, मतलब जब मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके एक दिन पहले मेरी मासी, कज़िन मासी की शादी है मेरे रिलेटिव में. और उसके जो दो एक दिन बाद मेरे कज़िन की शादी है, जो कि माय फर्स्ट कज़िन, मतलब मेरे मामा का बेटा, तो काफ़ी क्लोज है हम लोग. तो उसकी शादी, मतलब मेरे भाई जैसी शादी होगी, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट अट ऑल. तो मैं सोच रही हूँ दो तीन ओकेशंस हैं तो करवा लेती हूँ, मन हो रहा है तो करवा लेती हूँ, ठीक है, इतना सोचती नहीं हूँ. सो वहीं कराने के लिए जा रही हूँ. भोपाल में नेल एक्सटेंशंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव इन द सेंस मीन 2000-2500 से स्टार्ट होते हैं भोपाल के नेल एक्सटेंशंस. तो यहाँ पर मुंबई में क्या होता है ना, हर पार्लर में ही एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ तब भी प्राइस थोड़ा सस्ता है. तो मैं वही एक्सटेंशंस कराने के लिए जा रही हूँ. बिल्कुल नीचे ही मेरे घर के पार्लर है, वहीं जा रही हूँ. विक्की अपना कुछ कुछ काम कर रहा है. तो इस बार मैं ट्रैवल करके आई ना, तो आई कैरी दिस बैग. मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने परचेस किया है और इतना अमेजिंग है, मतलब सब कुछ इसका बहुत अच्छा है. काफ़ी सारा स्टफिंग, मतलब मैंने बहुत कुछ भरती हूँ, कैमरा वैमरा और सब दुनिया जहान की चीज़ें भरती हूँ. ये मेरा टम्बलर है, मैंने ये परचेस किया था, दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड सिग्नोरा. इतना बढ़िया टम्बलर है, मतलब क्या होता है, मैं तो पानी कैरी करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज तो मैं फिर कैसे बॉटल्स कैरी करती हूँ, ऐसे छोटी छोटी सी बॉटल्स कैरी कर लेते हैं, है ना, छोटे से बैग में रखने के लिए. बट द मोमेंट आई गॉट दिस वन, ग्लास की बॉटल्स रखने में मुझे लिटरली बहुत डर लगता है, मैं नहीं रख पाती हूँ. पहली चीज़, ग्लास की बॉटल इतनी छोटी आती है नहीं, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि भाई फूट गई अगर तो मेरा चार काम बढ़ जाएगा. तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ऐसा टम्बलर है ना, ये देखिए, इसमें से पानी बिल्कुल भी लीक नहीं करता है, छोटा सा टम्बलर है ना, बहुत अच्छे से आ जाता है. अब हाँ, जो मेन पॉइंट मैं बता क्या बता रही थी, इस बैग में ना चेन नहीं है, मतलब ऊपर जैसे जिप होती है ना, वैसे जिप नहीं है. तो ये कैसा है ना, यहाँ पर आप इसको ओपन करो, यहाँ पर एक ऐसे टच बटन दिया हुआ है, दैट्स इट. एंड ये एक जिप है, एक छोटी सी जिप ये है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जिप नहीं है. आपको ऊपर से ये लगाना होता है, ऐसे अटैच करना होता है, लाइक दिस. ओके, चीज़ें ऐसा हो गया, तो इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोबाइल स्लिप ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए. तो ये इसका जो MRP है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज. डिस्काउंट पे मुझे ये और कम प्राइस में मिला था. आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम निशा. हेलो. हेलो, किते? तो अब चलते हैं नेल्स एक्सटेंशन कराने. दिस इज माई स्किन विदाउट एनी मेकअप राइट नाउ. इवन टो देने के लिए मैं अपनी स्किन को लगाने वाली हूँ. ये है द डर्मा कोका 2% नियासिनमाइड हाइड्रेटिंग BB क्रीम. भले कोई कितना भी बोल दे कि हम मेकअप नहीं लगाते हैं, बट बेसिक सा फाउंडेशन हो गया, बीबी क्रीम हो गया, लिपस्टिक हो गया, लाइनर, काजल, ब्लश लोग करते हैं, 90% लोग बोलते ही हैं. हैवी मेकअप समटाइम्स होता है ना स्किन पे आप लगाते हो, तो कभी कभी केमिकल्स होते हैं उसमें, तो थोड़ा सा आपकी स्किन को डैमेज भी कर देता है वो. सो देयर इज दिस प्रोडक्ट. ये क्या करेगा ना, क्योंकि इसमें नियासिनमाइड मिला हुआ है, क्या करेगा ना, ये आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा, उल्टा आपकी स्किन को और एनहांस करेगा. ये जो 2% नियासिनमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम है ना, दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर. आपकी स्किन को नेसेसरी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, इवन लुक देता है, प्लम्प लुक देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है. क्योंकि इसका जो की इंग्रेडिएंट है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो है नियासिनमाइड. तो नियासिनमाइड क्या करता है, आपकी स्किन के जो ब्लेमिशेस है उनको फेड अवे करता है,
एक्ने मार्क्स जो स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, आपकी स्किन टोन को इवन आउट करता है। बेसिकली ये करता क्या है, आपकी स्किन टोन को इवन आउट करता है, बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, लॉक्स इन मॉइस्चर टू कीप द स्किन हाइड्रेटेड, एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, बहुत लाइट वेट लग रहा है मेरे स्किन पे, मतलब मैं इसको दिन भर लगा सकती हूँ। आप इसको एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हैं, एक तरीके का स्किन केयर भी हो गया, साथ ही साथ हल्का सा एक आपको अच्छा टचअप भी मिल गया आपके फेस पे। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट द डर्माको की वेबसाइट पर। एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम द डर्माको की वेबसाइट, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, दे हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर व्हिच इज अ रियली गुड कॉज। आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे कॉज को कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। जितने भी नए प्रोडक्ट्स है द डर्माको के दे ऑल आर फ्रेग्रेंस फ्री। तो चलिए चेंज करती हूँ और 2 मिनट में आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, अपना मोबाइल का कैमरा स्विच कर लिया है, लेट्स गो। As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl. नेल्स कराने के बाद मैंने बिल्कुल वहीं साइड में ग्रोसरी वाले भैया हैं हमारी बिल्डिंग के नीचे, उनसे थोड़ी बहुत चीजें काम की परचेज करी। ओके गाइस, आई एम बैक एंड दिस इज माय नेल्स। नेल्स करवा लिए हैं मैंने, आई एंड अप चूजिंग दिस कलर, ये थोड़ा सा मरूनिश एंड रेडिश काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली रेड, नॉट एग्जैक्टली मरून, वैसे मिक्स है, मुझे ऐसे कलर्स पसंद आते हैं, अभी ठंड भी है तो ऐसे डार्क कलर्स ठीक लगते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, फटाफट से थोड़ा सा पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऑब्वियसली कहाँ पे, निशा के घर पे वहाँ पे जाऊँगी। उसके बाद आज हम लोग रात में, एक और दीदी है हमारी पुरानी सोसाइटी की, वो भी काफ़ी क्लोज है, तो आज रात में हम लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे, बिकॉज हर बार हम सोचते हैं जाएंगे 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 बट पेंडिंग हो जाता है। तो यस, तो अभी हम लोग करेंगे डिनर हमारा 7 ही बजे। हालांकि तो डिनर में क्या है, डिनर में आज हम लोग खाने वाले हैं मैगी। तो एक्चुअली हम पहले कुछ और खाने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली वही हम लोग को भूख बहुत जल्दी लग रही थी, क्योंकि सुबह क्या हुआ, आकर के हम लोगों ने फटाफट नहाए धोए खाना खाया और खा के हम सो गए, क्योंकि ट्रेन में नहीं सो पाते यार, इतने सारे मतलब नहीं हो पाता। और मैं बता रही हूँ, मेरा तो मेरे को जब मैं ट्रेन में आती हूँ, मेरे को खौफ रहता है कि खतरनाक वाले बच्चे ना मिल जाए मुझे, और लिटरली मतलब मैं अगर बैठी हूँ जब बैठी हूँ तब तक मुझे ऐसे बच्चे मिले, एक होता ना शांत प्रवृत्ति के बच्चे, मुझे जो भी बच्चे मिलते हैं ट्रेन में वो ऐसे मिलते हैं कि वो पूरी रात रोते होते हैं, रो रहे होते हैं। अब पता नहीं, अब वो जो भी उनको रीज़न होता होगा, अंधेरा है, हिल रहा है या अनईजी लगता होगा, तो वो रो के वो करते हैं, तो रोते हुए बच्चे मिलते हैं, तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ, तो मैं नहीं सोई रात भर ढंग से, और फिर आना जाना लगा रहता है ना, तो मुझे बड़ा, मैं थोड़ी कॉशियस भी बहुत रहती हूँ, मेरा सामान है मेरे ना, इस बार मैं जो ट्रॉली बैग है उसी के अंदर मेरा लैपटॉप था, मेरा आईपैड भी था, तो मेरे को एक अलग वो टेंशन लगी रहती है कि भाई मेरा सामान नीचे रखा हुआ है, तो मैं नहीं सो पाती ढंग से। तो अभी विक्की ने बनाई है मैगी, और विक्की मेक्स वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैगी, मतलब मैंने अभी तक इतनी अच्छी मैगी इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड, ही एक्चुअली मेक्स बेस्ट मैगी, और बहुत टेस्टी होती है उसकी मैगी, मतलब वो भोपाल में बनाता है ना, तो मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे यहाँ जो केयरटेकर आता है वो, मतलब मेरे पाप सब खाते हैं, सब शौक से खाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मैगी किसी को इतना पसंद नहीं होता, हमारे घर वाले एक एक चम्मच दो दो चम्मच खाते हैं, बट सब प्लेट में ले लेंगे, स्पेशली मेरी मम्मी वगैरह बोलती है कि हाँ मैं भी खाऊंगी, इतनी टेस्टी होती है, भले कितने भी उसके जैसे मसाले डाल लूँ बट मेरा वो टेस्ट नहीं आता, मतलब वो हाथ हाथ का भी एक होता है। तो वो मैगी बना रहा है, फिर वही थोड़ी सी मैगी में लेकर के आज निशा के जाऊंगी, उसको भी खिला करके आऊंगी, क्योंकि मैं 2-3 बार भूल चुकी हूँ उनको। आ गई, दिस इज द मैगी, और ये हमारा मैगी शेफ है, मैगी स्पेशलिस्ट है।
मैगी और पोहा, मैगी एंड, हाँ मैगी एंड पोहा में विक्की का तोड़ नहीं है, कोई इससे बेस्ट नहीं बना सकता. मैगी मसाले के साथ साथ वो सारे मसाले डालता है, सब्जी वाले भी. निशा के घर हम कभी भी कितना भी पेट भर के आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बिना खाना खाए हम लोगों को जाने दे, लिटरली. मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और निशा क्या खाना वाना खाया. एक्चुअली मैगी हम खा के गए थे और मैं वही लेकर के उसके घर गई थी, बट निशा तो निशा है, वो मुझे बिना खाना खाए आने ही नहीं देती है, भले मेरा पेट यहाँ तक भरा हो चाहे मैं वोमिट कर दूँ. तो मैंने एक पराठा खाया और पैक भी करवाया. फिर उसके बाद हम लोग, हमारी एक दीदी और भैया हैं, हम उनके साथ चले गए थे थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए, फालूदा वालूदा खाने के लिए. हम पाड़ा तरफ गए थे, काफ़ी थोड़ा दूर है यहाँ से, 5-6 किलोमीटर है, तो वहाँ गए, उन लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया. उसके बाद फिर हम लोग घर आकर के सो गए थे. एंड आज सुबह, तो आज है एक्चुअली विव्याना मेरा फ्लैट 50% पूरा मॉल पर ऑफ चल रहा है, मतलब बिल्कुल सारे ब्रांड्स में फ्लैट 50 है. तो निशा ने मुझे बता के रखा था कि आज अपन चलते हैं, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं. तो आंटी भी जा रही है, मैं जा रही हूँ, निशा जा रही है, हम तीनों जा रहे हैं. मैं कार नहीं लेकर के जा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत गंदी वाला रश होगा, कार पार्क करने की जगह नहीं रहेगी, तो मैं कार नहीं लेके जा रही हूँ, हम लोग ऑटो से जाएंगे. मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज माई ड्रेस, ये मैंने पहना हुआ है. इसके अंदर का जो ये ना, ये अलग है, अलग से टॉप पहना है. इसके अंदर एक व्हाइट कलर की प्लेन टी शर्ट थी, तो मैंने वो ना पहन करके ये दूसरा टॉप पहना हुआ है. और पूछिएगा मत कहाँ से ली है, ये मेरी 2-3 साल पुरानी है. चलते हैं अब फटाफट से और मैं आपको मोबाइल कैमरे से मिलती हूँ. ओके गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? गलिया ने उससे पहले क्या बोली थी, कहती है मेरे को पीछे से एक्टिंग करके बोलती है ओके गाइस हम लोग भाड़ में जा रहे हैं. तो आंटी अब नहीं जा रही है, हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि आंटी को सच में पता है कि हम बहुत टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं. तो यस, लेट्स गो. हेलो गाइस. हेलो गाइस. तो विव्याना में ना विंटर के टाइम पे हर साल इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ये लोग फ्लावर्स ऐसे एग्जिबिशन टाइप का लगाते हैं. परचेज नहीं कर सकते आप डेफिनेटली, बट ऐसी बस देखने के लिए आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं एंड ऑल दैट. तो मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि भयंकर वाला रश रहेगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हुआ. मतलब इतना रश आई थिंक नॉर्मल वीकडेज में रहता है. तो आई थिंक जैसे हमने सोचा ना, ऐसे बहुत लोगों ने सोचा होगा और इस सोचने के चक्कर में वो आए ही नहीं होंगे. मतलब मैं बिल्कुल शॉक थी, इतना रश ही नहीं था, बहुत नॉर्मल रश था. एंड हम लोगों को बहुत कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला. मतलब हमने ज़्यादा शॉपिंग ज़्यादा क्या हमने करी नहीं, क्योंकि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. कुछ चीज़ पसंद आ रही थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, वैसी था, प्राइस जिसका कम था. तो मेरे को लगता है बहुत कलेक्शन शायद छट गया, हम लोग काफ़ी लेट हो गए अगैन. उसके बाद बहुत जम के भूख लगी थी, तो विव्याना में हिचकी है, हम वहाँ गए थे. एंड लिटरली यहाँ का टेस्ट बहुत डिफरेंट एंड बहुत अच्छा था. बहुत पहले मैंने विक्की के साथ यहाँ पर ट्राई किया था, उसके बाद मैं कभी आई नहीं थी, तो आज हमको भूख जम के लगी तो हम लोग यहीं पर बैठ गए थे. एंड यस, अब मैं घर आ गई और अभी खा रहे हैं हम दलिया. घर पे ही हम लोगों ने बनाया है दलिया. गाइस अब मैं दलिया वलिया खाती, बहुत अच्छी. मतलब ये मैं अपने मोबाइल कैमरे से व्लॉग कर रही हूँ और लाइटिंग सिर्फ एक लाइट चालू है, यहाँ की वाली और एक यहाँ वाली, और कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा है. मतलब लाइटिंग कितना मेजर रोल प्ले करती है, आप ज़बरदस्त. तो बस दलिया वलिया खाती हूँ और आज का जो वीडियो है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.